कालरा नर्सिंग होम से सुपर स्पेशलिटी यूरोलॉजी और बाल रोग विभाग की शुरुआत। लुधियाना के सबसे पुराने स्वास्थ्य देखभाल संगठनों में से एक कालरा नर्सिंग होम जमालपुर कॉलोनी फोकल प्राइवेट में सुपर स्पेशलिटी यूरोलॉजी विभाग और बाल रोग चाइल्ड स्पेशलिटी विभाग की शुरुआत हो गई है। आज एक पत्रकार सम्मेलन में इसकी घोषणा कालरा नर्सिंग होम के MD डॉक्टर सुरेंद्र कालरा ने की। नए यूरोलॉजी आउट स्पेशलिस्ट क्लिनिक डॉक्टर योगेश कालरा MBBS MAS MCH यूरोलॉजी के अधीन होगा। बेसिकली हमारा कालरा नर्सिंग होम है जो कि इस एरिया का बहुत पुराना है, 1982 से चलता आ रहा है। आज उसका हमने स्पेशलिटी पीडियाट्रिक ब्रांच और सुपर स्पेशलिटी यूरोलॉजी ब्रांच का इनॉग्रेशन किया है, इसीलिए ये फंक्शन था। लोगों को मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि ये जो ब्रांच है पीडियाट्रिक्स, जिसे हम बोलते हैं बच्चों के डॉक्टर या बच्चों की देखभाल करने वाले जो डॉक्टर होते हैं, हमने बेसिकली ये डिपार्टमेंट यहाँ स्टार्ट किया है। और लोगों के लिए यही मैसेज है कि बच्चों से रिलेटेड कोई भी बीमारी हो, कोई भी तकलीफ़ हो और कोई भी ऐसी चीज़, जैसे उनके खाने पीने में उनको कोई ऐसी प्रॉब्लम लगती है माँ बाप को कि वो बच्चों को मतलब कंसल्ट करना चाहते हैं कि बच्चों के खाने पीने से रिलेटेड, ग्रोथ से रिलेटेड, डेवलपमेंट से रिलेटेड, वो सब हम देखते हैं। और दूसरा जो टीकाकरण होता है बच्चों का, जो कि नवजात शिशु से लेकर 18 साल की एज तक बच्चों में लगते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो सिर्फ टीकाकरण से ही हम प्रिवेंट कर सकते हैं, जो बच सकते हैं बच्चे, जो कि जानलेवा बीमारियाँ भी हैं लेकिन वो सिर्फ एक टीकाकरण से बच जाती हैं। हम वो हर रोज़ यहाँ पर कर रहे हैं और जो माँ बाप टीकाकरण नहीं करवाते हैं, मैं उनको यही मैसेज देना चाहूँगी कि अपने बच्चे का टीकाकरण ज़रूर करवाएं और 2 साल की उम्र तक अपने बच्चे को माँ का दूध दें और पहले 6 महीने सिर्फ माँ का दूध दें। और 6 महीने के बाद कैसे बच्चे को ऊपर का खाना ऐड करना है, कैसे करना है, वो सब हम बताते हैं। और कैसे करना है कि उसकी ग्रोथ कैसी होगी, वो सब डाइटरी हम बताते हैं। अगर 18 साल की एज तक हर बच्चे को देखते हैं, क्योंकि हर बच्चे की एज के हिसाब से उसकी ग्रोथ की रिक्वायरमेंट अलग होती है, उसकी डेवलपमेंट अलग होती है, जिसमें सोशल डेवलपमेंट होती है, इमोशनल उसकी जो नीड्स होती हैं वो अलग होती हैं और उसकी डाइटरी नीड्स अलग होती हैं। ये हर चीज़ एज के हिसाब से देखी जाती है, क्योंकि अब जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए, अब कोई अगर मान लीजिए 2 साल का बच्चा है या 3 साल का बच्चा है या एक नवजात शिशु है और एक तरफ 10 साल का बच्चा है, अगर आप 4-5 बच्चे लेंगे तो हर बच्चे की जो ज़रूरत होगी वो अलग होगी और हर बच्चे की जो ग्रोथ होगी उसका पैटर्न अलग होगा। 2 साल का बच्चा जिसकी ग्रोथ होगी या जो खाएगा, वो हम 18 साल के बच्चे से मेल नहीं कर सकते, इसीलिए 0 से लेकर 18 साल की एज तक ये पूरी जो पीडियाट्रिक ब्रांच है इसको कवर करते हैं, जिसमें न्यूबॉर्न, इन्फेंट, टॉडलर, चिल्ड्रन, स्कूल गोइंग और एडोलेसेंस, ये सब कवर किया जाता है। लुधियाना से अजय पाहवा की रिपोर्ट।